ये जो आप बैंगन के पौधे देख रहे हैं, ये क्यों बैंगन दे रहे हैं, वो भी मई की इतनी तेज़ शदीद गर्मी में। इतनी गर्मी में पौधों को खादें डालनी चाहिए? अगर डालनी चाहिए तो कौन सी डालें? नहीं डालेंगे तो पौधे बड़े नहीं होते, पौधे वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि क्या करें, कंफ्यूज रहते हैं 24 घंटे। तो इस मसले का हल इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप भी अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ करवा सकेंगे। चल भी तू पीछे हो जा। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, SG होम किचन गार्डनिंग से। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये बैंगन के पौधे से शुरू करते हैं। ये बैंगन के पौधे मेरे लगे हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये मेरा वो नन्ना सा पौधा है जो मुझे खुद रो तरीके से अपने गार्डन में मिला था। तो देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया। अभी तक इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी कि ये पौधा है कौन सा। चलें छोड़े, ये हमारा टॉपिक नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। ये बैंगन का पौधा देखें, इसके ऊपर बैंगन भी लगा होगा, ये लगा हुआ एक वो बैंगन निकल रहा है और यहाँ फ्लावरिंग भी होगी कहीं ना कहीं, और कुछ फ्लावर इसके ड्राई भी हो रहे हैं। कुछ फ्लावर इस तरह ड्राई हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फूलों के अंदर से बैंगन नहीं बनते। अच्छा, बात आती है हमारी यूँ कि इस बैंगन को पहले तोड़ ना लें हम। हाँ, वाह। तो ये है मेरा देसी बैंगन का पौधा, ये देसी है। देसी बैंगन के पौधे की निशानी पता क्या होती है कि इसके ऊपर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वाले पौधे के ऊपर कांटे तो इतने खैर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किसके ऊपर कांटे हैं। ये सबसे ज़्यादा कांटे इस पौधे के ऊपर हैं, ये देखें, इतने बुरे चुभते हैं ना ये। इसके साथ भी कोई लग जाए ना तो नानी याद आ जाती है। ये देखें, इसको भी बैंगन लग रहे हैं, ये देखें, और नीचे भी कहीं बैंगन बन रहा होगा, ये देखें, यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये सारे के सारे कांटों से भरा हुआ है। ये देखें नीचे जो बैंगन बन रहा है उसके कितने ज़्यादा वो कांटे निकल रहे हैं ऊपर, कि कोई गलती से भी मुझे हाथ ना लगाए। अच्छा जी, ये जो आप बैंगन के पौधे देख रहे हैं, ये क्यों बैंगन दे रहे हैं, वो भी मई की इतनी तेज़ शदीद गर्मी में। अगर मैं इनको खाद ना डालता तो ये मुझे कभी भी सब्ज़ी वगैरह ना देते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि खादें कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खादें जितनी भी हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल वाली खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल वाला एक अलग से मैंने सेक्शन रखा हुआ है, वो विज़िट करवाता हूँ। ये देखें, ये तर के पौधों का केमिकल वाला सेक्शन है सारा। ये तर के बेलें हैं, इसके ऊपर कोई ग्रीन नेट भी नहीं है। ग्रीन नेट ये देखें इतनी दूर है और बेलें यहाँ पे मौजूद है, फिर भी फूलों से भरी हुई हैं। देखें कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। यहाँ पे आ जाएं, ये भी फूल हैं, तरें इसको अच्छी खासी लगी हैं। मैंने शॉर्ट क्लिप के अंदर भी दिखाया है तर को हार्वेस्ट करते हुए, तो वीडियो भी इसकी मैंने बनाई थी। एक तर वो नीचे की तरफ लटक रही है। तो ये देखें सारी बेलों का हाल, देखें भरी हुई हैं फूलों से, फ्लावरिंग अच्छी खासी आ रही है। बेलों की हेल्थ भी चेक करें, बेहतरीन किस्म की हेल्थ है इनकी। ये मिर्चों के पौधे, मिर्चें लाल हो रही हैं। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये था कि देखें इतनी तेज़ गर्मी के अंदर भी ये क्यों सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, क्यों नहीं ये पौधे ख़राब हुए, क्यों इनके ऊपर सब्ज़ियाँ लगनी शुरू हो गई, और पौधे हेल्दी क्यों हैं, मतलब सेहतमंद क्यों हैं। ये देखें बैंगन का पौधा, ये करेले की बेलें चेक करें ज़रा, करेले के बेल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गया गर्मी का। इसके ऊपर खाद का कोई इफेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से मैंने करेले हार्वेस्ट किए हैं, अभी एक दो और भी लगे होंगे। तो नीचे से ये न्यू ब्रांचेस निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये गर्मी की वजह से येलोपन में आना शुरू हो चुके हैं। ये मेरे भिंडी के पौधे हैं, मैंने तमाम ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल की हैं, गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, पत्तों की खाद, ये सारी की सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो ये जो तर वाला सेक्शन दिखाया है, इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल किया था उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि हमने केमिकल इस्तेमाल करना है, तो ये जो सेक्शन था उन दोस्तों के लिए बनाया था। ये बेहतरीन सेक्शन रहा है केमिकल वाला, वो इस वजह से क्योंकि केमिकल पूरी एक मकदार से वो खाद बनाते हैं, जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है वो देनी होती है। तो अभी बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछेंगे कि ये तरीकाकार हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिए, आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। खाद देने का तरीका, कौन कौन सी खादें दे सकते हैं, और घर बैठे कौन सी आप खादों का ऑर्डर करके खादें मंगवा सकते हैं। और ये खाली सब्जियों के लिए नहीं होगा, ये आप तमाम अपने पौधों को इस्तेमाल कर सकेंगे, फूलों वालों को, दरख्तों को, जितने भी फल देने वाले दरख्त हैं, फूल के पौधे हैं, ये सब के ऊपर आप वो खादें इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इस जगह पे आ जाएं, ये है जी ऑर्गेनिक खादों का कमाल। इसमें आपने कौन सी खाद नहीं डालनी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने दूसरी तीन चार बता दी हैं वो सारी की सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 6 दिन बाद आपने इस्तेमाल करनी है। अगर मिट्टी हार्ड हो जाए तो गोडी लाजमी कर देनी है, गोडी करके पौधों के साथ मिट्टी लगा देनी है ताकि आपके पौधे हवा की वजह से नीचे गिरें ना। एक मुझे कमेंट आया था कि मैंने गाय का गोबर मिट्टी के अंदर मिक्स किया तो वो ज़्यादा मिक्स हो गया, जिसकी वजह से मैंने पौधे लगाए वो सारे के सारे पौधे मर गए। आप फ्रेश गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करेंगे इतनी शदीद गर्मी में, क्योंकि वो ख़ुद हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जब आप उसको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं ना तो उसने अभी अपनी हीट को प्रोड्यूस करना होता है, निकालना होता है, तो वो जब निकालता है तो आपके जो पौधे की जड़ें होती हैं उसको वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। इसकी फीडर रूट तमाम की तमाम उड़ा के रख देता है, ऊपर से फिर आपका पौधा भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने गाय का गोबर वो इस्तेमाल करना है जो कम से कम 6 माह से ज़्यादा पुराना हो, तो बेहतर तो होता है कि 1 साल का पुराना। इसकी निशानी ये होती है कि ये ब्लैक कलर में हो चुका होता है खुद ब खुद ही, वैसे आप लेने जाएँ तो ये ब्राउन कलर में होता है। तो मैंने इस तोड़े के अंदर रखा हुआ है और अभी तक मैंने इसको डाला नहीं, मुझे 3-4 माह हो गए हैं उसको लेके आए हुए को, तो इसके ऊपर पानी पिछानी गिरता रहता है तो ये खुद ब खुद इसकी हीट शीट निकल जाएगी, फिर मैं अपने पौधों को ये इस्तेमाल कर सकूँगा। आपने ये गलती करनी है कि कोई भी फ्रेश खाद, बेसिकली फ्रेश खाद ज़्यादातर गाय के गोबर की होती है, तो वो अमूमन नर्सरियों से मिलती है तो नर्सरियों वाले भी नहीं बताते, तो आप अपने पौधों को ज़्यादा अगर डाल दें तो वो पौधों की तबाही फिर जाती है। तो वो सिर्फ विंटर सीज़न में आप इस तरह की खाद डाल सकते हैं जो पुरानी ना हो, तो सर्दियों में वो ज़रा चल जाती है, गर्मियों में वो नहीं चलती। इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। खादें आपने हर 5-6 दिन बाद लाजमी इस्तेमाल करते रहना है ताकि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके, और असर के टाइम आप अपने पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव करें। असर का टाइम इस वजह से कहता हूँ कि मॉर्निंग में ज़्यादातर उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश किया करें कि मॉर्निंग टाइम उठा करें और अल्लाह का जिक्र किया करें और सुबह सुबह अपने पौधों को पानी का छिड़काव कर दिया करें। उससे क्या होता है कि इस तरह पौधे हीट बर्न नहीं होते। ये देखें, ये पौधे हीट बर्न होने की वजह से इसके अंदर आपको येलो येलो पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे बचने के लिए आप सुबह सुबह पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और एक मिनट में ये भी था कि माली वो कहता है बस पानी दे दें, गर्मियों में खाद नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप गर्मियों में खाद नहीं डालें, लाजमी डालनी है। नहीं डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और आपको सब्जियां वगैरह नहीं मिलेंगी। माली तो आते हैं काम जान छुड़वाते हैं, अपना काम करते हैं, पानी पानी शानी देते हैं और भाग जाते हैं। तो वो उस कमेंट में भी उन्होंने यही बताया कि माली कह रहा है कि खाद नहीं डालनी। खाद डालनी 100% डालनी है, सिर्फ फ्रेश खाद जो मैंने आपको गाय के गोबर वाली बताई है वो वाली खाद इस्तेमाल नहीं करनी। केमिकल के अंदर नाइट्रोजन आप थोड़ी सी कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। नाइट्रोजन मीन यूरिया खाद, वो बिल्कुल मामूली सी पौधों को देते हैं और वो देना भी ज़रूरी होती है इस वजह से कि ताकि पौधे की ग्रोथ मज़ीद बड़ी हो। एक बैंगन यहाँ लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपका जो भी कहाँ जा रहे हो फ्रेश बैंगन, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि खादें नहीं देनी, ये आपने दूर करना है और अपने पौधों को लाजमी खादें इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। अगर दूसरे पौधे आप ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहे हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा लाजमी डालिएगा ताकि पौधे आपकी ज़्यादा हीट बर्न से बच सकें। सूर्य की रोशनी, आपको पता है इस दफ़ा मई में तो शदीद गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पौधे वो केयर, थोड़ी सी भी केयर की लापरवाही हुई और पौधे येलो होना शुरू हो गए, तो ये ऐसा होता रहता है। तो आपने घबराना नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।